हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में टूटेगी अबीरा, टूट कर उठाएगी सबसे बड़ा कदम, अरमान करेगा रूही से शादी, लेकिन क्या अबीरा का सहारा बनेगा कोई, या रह जाएगी अबीरा इस दुनिया में पूरी तरीके से अकेली। क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, ज़रूर करें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दें। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आप सभी को सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि शो में अब आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अरमान रूही के साथ शादी के लिए हाँ बोल देगा। वहां दूसरी तरफ मनीष जी इस चीज को लेकर परेशान हो रहे होंगे कि रूही आखिर अरमान से शादी क्यों कर रही है, उसने अबीरा की लाइफ ऑलरेडी बर्बाद कर दी है, अब वो रूही की भी कर देगा। ऐसे में यहाँ पर जो अबीरा है उसकी मांग से, उसके गले से अपने सुहाग की निशानियों को उतार देगा अरमान। लेकिन ये करते हुए अरमान के हाथ कांप रहे होंगे, उसका दिल नहीं मान रहा होगा, लेकिन फिर भी ये करेगा वो। और ऐसे में टूट जाएगी अबीरा। अबीरा को मासा 15 दिन नहीं 15 मिनट में ही घर से निकाल देंगी। पर यहाँ पर अरमान और रूही की हो जाएगी शादी, दोनों शादी के जोड़े में तैयार खड़े होंगे, तभी होगी अबीरा की एंट्री। और अबीरा आकर अरमान और रूही की पोल खोलेगी। अबीरा आकर ये बोलने वाली है सब पोदार्स के सामने कि अगर तुम दोनों पहले से ही प्यार करते थे तो मेरी और रोहित की जिंदगी तुम दोनों ने बर्बाद क्यों की, तुम दोनों के बीच में प्यार था तो एक दूसरे से ही शादी करते ना, तुम्हारी वजह से, तुम दोनों के इस रिश्ते की वजह से आज रोहित नहीं रहा और मुझे जीते जी तुम दोनों ने मार दिया। ये सुनकर अरमान के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि उस समय अरमान को एहसास हो जाएगा कि अबीरा उससे प्यार करती है। और ऐसे में अरमान अपनी कसम दिलाकर अबीरा से पूछने वाला है कि तुमने डिवोर्स के लिए फिर कोर्ट में झूठ क्यों बोला। अबीरा अरमान की कसम की वजह से सच बोलेगी सबके सामने, उड़ेंगे मासा के होश। और ऐसे में फिर अरमान रूही के साथ अपनी शादी को तोड़ देगा। कहानी में बहुत बड़ा होने वाला है ड्रामा। कितने एक्साइटेड हैं आप देखने के लिए, कमेंट्स में आप हमें जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।